सुखमनी साहिब एक ओंकार सतगुरु प्रसाद गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक आदि गुर ए नमः है जुगाद गुर ए नमः है सतगुर ए नमः है श्री गुरुदेव ए नमः है अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ कल कलेश तन माय मिटाओ सिमरो जास विसंबर एक है नाम जपत अगन तन एक है वेद पुराण सिमरत सुदाखर कीने राम नाम एकाखर किनका एक जिस जीव सावे ताकी महिमा गनी नावे काकी एक है दर्श तुहारो नानक उन संग मोय उदारो ओम शांति। 1606 बादशाह जहांगीर ने सिखों के गुरु पंचम गुरु अर्जुन देव या अर्जुन देव को बुलाया था लाहौर और वहां बुलाकर उनसे कहा कि तुमने मेरा जो बेटा है खुशरो जिसने विद्रोह किया उसको तुमने शरण दी है, उसको तुमने आर्थिक सहायता दी है और ये तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध है। एक समय था जब बादशाह अकबर थे तब कुछ लोगों ने जाकर अकबर को बताया कि ये जो अर्जुन देव है ये अपने ग्रंथ में इस्लाम के विरुद्ध बहुत सारी चीजें लिख रहा है। तब अकबर ने खुद वो ग्रंथ मंगाया था, उसका अध्ययन किसी और से कराया था और पाया कि उसमें ऐसा कुछ भी लिखा नहीं और इनाम भी दिया था। परंतु अकबर के देहांत के बाद जब जहांगीर सम्राट बना तब जहांगीर कट्टरवादी था और उसको भड़काने वाले भी बहुत सारे लोग थे, तो उसने अर्जुन देव को या अर्जुन देव को बुलाया और बहुत सारे प्रश्न किए। वहां पर एक चंदू शाह नाम का भी एक व्यक्ति था जो कि अपनी बेटी की शादी अर्जुन देव के बेटे हरगोविंद से कराना चाहता था परंतु अर्जुन देव नहीं माना था। उसकी भी अपनी एक शत्रुता थी, उसने भी कान भरे जहांगीर के और जहांगीर ने कहा इसको तुम ले जाओ और चंदू शाह अर्जुन देव को अपने घर लेके जाता है। उसे बहुत समझाता है कि क्षमा मांग लो सम्राट, जो दंड मांग रहे हैं वो दे दो भर दो, परंतु अर्जुन देव नहीं मानता। यहां से यातनाओं का दौर चालू होता है। तीन दिन 1606 पहला दिन चंदू शाह उसको सारे दिन भर भूखा रखता है, किसी से मिलने नहीं देता। दूसरे दिन एक गर्म पानी का देग बॉयलर उसमें उसको बिठा देता है क्योंकि ये मान नहीं रहा। एक शर्त थी कि मेरी बेटी से तुम्हारे बेटे की शादी करो और दूसरा मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो चीजें कही है वो अपने ग्रंथ में डालो। वो कहता है ये दोनों ही चीजें मैं नहीं कर सकता। दूसरे दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन तपती हुई रेत पर, तपते हुए तवे पर उसको बिठाया जाता है। तब भी ये जो पंचम गुरु है अचल डोल वही शांत स्वरूप स्थिति। और आखिरी दिन तो उसको कहता है कि यदि अब भी तुम नहीं माने तो गाय का जो चमड़ा है तुम्हारी चमड़ी से सिल देंगे सड़ा हुआ। तो अर्जुन देव कहते हैं कि मुझे बस मेरा अंतिम समय तो करीब आ गया है, मुझे बस एक बार रेवा नदी जो है उसके पास जाने दो और स्नान करने दो बस। वो वहां जाते हैं और शरीर को छोड़ देते हैं अपनी इच्छा से। जैसे कि सिखों में 10 गुरु हुए हैं, उन 10 गुरुओं में ये जो पंचम गुरु है त्याग का और बलिदान का
शिखर है। और इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य उन्हीं के द्वारा चालू हुआ था। दूसरा, सारा गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसका संकलन करने का श्रेय पंचम गुरु को है। और उस गुरु ग्रंथ साहिब में सुखमणि साहिब आता है, 262 पेज नंबर पर, अंग जिसको वो लोग कहते हैं। तो आज से हम एक यहां पर ज्ञान सरोवर में एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं, सुखमणि साहिब। इस सुखमणि साहिब में अष्टपदी है, 24 अष्टपदी। अष्टपदी अर्थात आठ आठ का एक एक, ऐसे 192 गुरुवाणी, गुरुवाणी या गुणवाणी भी कहते हैं। सिख में जितने भी चैप्टर्स है या जो श्लोक आते हैं उसके अंदर जो वर्सेस आते हैं उनको गुरुवाणी नाम कहा गया है। जैसे ये वाणी गुरु की है, वो जो वाणी है निःशब्द की है, परंतु उसका साकार रूप इन गुरुओं के माध्यम से आया है, इसके लिए उन्होंने उसको गुरुवाणी कहा। ये हम क्यों चालू कर रहे हैं? हम सोच रहे थे कई दिनों से कि कुछ नया चालू करना है। स्पार्क की किताबें हैं, अव्यक्त वाणियों की किताबें हैं, बाबा की बहुत सारी साकार अव्यक्त मुरलियां हैं, परंतु हमने एक दिन योग करते समय अचानक कुछ दिन पहले अमृत वेला जैसे मुरली में जो वाक्य आता है, सिमर सिमर सुख पाओ, अचानक हमारे आंखों के सामने आया और हमने ढूंढने की कोशिश की ये कहां पर है, तो पता चला ये सुखमणि में है। एक होता है जपू जी, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसका सारे सिख रोज पाठ करते हैं। और ब्रह्मा बाबा के जीवन पर सिख धर्म का, सिख साहित्य का बहुत अधिक प्रभाव है, इसके लिए मुरलियों में कई बार सिख की कहावतें आती, आज सुबह की साकार मुरली, बाप तुम्हें सुख घनेरे देने आए हैं। ये सारे जो है ये सिख धर्म से लिए हुए हैं। तो ये टोटल ऐसे 192 की ये सीरीज है, उसकी आज पहली। तो आज हम पहली आठ अष्टपदी सुनेंगे जो अभी अभी अमित भाई ने पढ़ी यहां पर। तो शुरू करते हैं। सिमर सिमरहु सिमरही, सिमर सिमर सुख पाऊ, कली कलेस तन माही मिटाऊ, सिमरहु जासु विश्वंभरु एके, नामु जपत अनगिनत अनेके, वेद पुराण सिमृति सुधाकर, कीने राम नाम एक अख्याकर अख्यार, किनका एक जसु जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे, कांखी एके दरस द्वारो, नानक उन संग मुही उधारो। ये शुरुआत है सिमरहु, सिमर सिमर सुख पाऊ। सिमरन अर्थात एक है ध्यान, एक है सिमरन, एक है याद, मेडिटेशन रिमेम्बरेंस, एक है सुमिरन, क्या अंतर है? एक है योग, एक है योग, एक है मेडिटेशन, एक है याद, एक है सिमरन, एक है सुमिरन। अलग अलग शब्द मुरलियों में आए हैं। ध्यान अर्थात मेडिटेशन, उसमें और एक है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन एक दूसरी प्रोसेस है। कॉन्सेंट्रेशन अर्थात एकाग्रता, जहां हम किसी चीज पर एकाग्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो है ध्यान। अलग अलग धर्मों में अलग अलग विधियां बताई है ध्यान की। एक है ध्यान, एक है मेडिटेशन।
ध्यान या मेडिटेशन एक है कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्र कर रहे बुद्धि को। याद, किसी चीज को याद करना। परंतु ये याद शब्द लौकिक रीति से भी प्रयोग किया जाता है, जब यही याद आध्यात्मिक रीति से प्रयोग किया जाता है तब उसको सुमिरन सिमरन कहा जाता है। उसमें एक चीज होती है रेपिटेशन, पुनरुक्ति, बार 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 बार। यहां पर शुरुआत है सिमरहु, सिमर सिमर सुख पाऊ, तीन बार सिमर शब्द का प्रयोग है। योग की विधियों में तीन अवस्थाएं हैं चेतना की। जब आत्मा परमात्मा को याद करने लगती है तो तीन अवस्थाएं हैं, एक है मुख, दूसरा है मन और तीसरा मन से भी परे। पहला है मुख, सिमर सिमर सुख पाओ, मुख से सिमरन कर रहे हैं, चाहे भगवान का नाम या भक्ति की बात बता रहे, फिर ज्ञान की तरफ आएंगे। तीन बार सिमर अर्थात पहला मुख के द्वारा, दूसरा मन से याद कर रहे हैं, और तीसरा है मन से याद करना भी नीचे रह गया है, अपने आप हो रहा है ऑटोमेटिक। एक होता है मन से संकल्प करना कि अब मैं याद कर रहा हूं, एक तीसरी अवस्था है जिसमें वो भी नहीं, वो अपने आप हो रहा है। यहां पर हम भी बाबा को तीन रीति से याद करते हैं। एक है मुख की याद जिसमें बाबा कहते हैं बाप बाबा 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 मुख से करते रहो, ये भी याद है, परंतु इस याद से विकर्म विनाश नहीं होने वाले। Not everyone who cometh and saith Lord, Lord, but he that doeth the will of my Father shall enter the kingdom of heaven. Bible में Jesus Christ कहता है हर एक नहीं जो आकर कहे हे प्रभु, but he that doeth the will of my Father, पर वो जो मेरे पिता की आज्ञा पर चलेगा, मेरे पिता की मत पर श्रीमत पर चलेगा, केवल वही स्वर्ग में आने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। केवल ओ लॉर्ड बाबा 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 करने से कुछ नहीं होगा, परंतु हां वो बाबा कहना भी याद है, वो पहला सिमरन है कि मुख से क्या निकलते रहे, उसका नाम निकलता रहे। अमृत वेले से रात तक की जो दिनचर्या है, एक याद का प्रकार है स्थूल, जिसमें हम कहते रहे ये बाबा का है, ये सेवा बाबा की है, ये ऑफिस बाबा का है, ये यज्ञ बाबा का है, ये जो मैं कर रहा हूं बाबा का है। स्थूल में कहना बाबा के भंडारे में मैं सेवा कर रहा हूं, एक है कहना ही नहीं, वो भी अवस्था अच्छी है, पर एक है कहना। इस कहने से भी ज्ञान के संस्कार निर्माण होंगे, बाबा के याद के नव संस्कार निर्माण होंगे। बोलना संस्कारों को निर्माण करता है, इसके लिए एक सिमरन कौन सा है, बोलते रहना ये बाबा का है, ये बाबा का है। विदेश में सारे भाई बहनों को कितनी आदत सी है कि ये बाबा का घर है, ये बाबा का कमरा, ये बाबा की गाड़ी, ये स्कूटर बाबा की है, अभी भी ली है, हर चीज बाबा की, सैलरी आई बाबा की है, बाबा के सामने रखती है, सब्जी बाबा की, हर चीज जोड़ दिया है, संलग्न कर दिया है उसके साथ। तो सबसे एक तल जो है वो है मुख का तल, सिमरन का, जिसमें मुख से सुबह से लेकर रात तक निकलते रहे, एक। दूसरा है मन, मन से सिमरन, ऐसे यहां सिमरन की विधि वो नहीं है जो भक्ति मार्ग की है, यहां सिमरन की विधि है अशरीरीपन। जैसे देह समझते ही देह की सारी बातें याद आ जाती है, वैसे ही आत्मा समझते ही आत्मा की सारी बातें याद आ जाती है। मन के तल पर याद अर्थात
उस याद से भी पहले स्वयं की याद। आज बोला है सुबह साकार मुरली में चित्र समझाओ, उससे क्या होगा खुद भी समझने लगेंगे। सूक्ष्म है बहुत ये कि दूसरों को समझाते हम खुद भी समझने लगते। उसी तरह याद जो है, मुख से दूसरों को याद दिलाते रहो, अंदर उसके बाद में जब व्यक्ति शांत बैठता है अपने आप याद आने लगती है, आत्मा आत्म केंद्रित हो जाती है। और ये दूसरी अवस्था है कि जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा आत्माभिमानी बनने का प्रयत्न करें। 6 स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं जो आप लिख लेना है, जो कल से एक हफ्ता तक सारी दिन भर में कई बार करनी है। एक बोर्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी, अगली बार लेके आना। अच्छा, बहुत बड़ा बोर्ड है आप चलिए। दूसरा माइक, एक विधि बता रहे हैं 6 स्टेप्स, क्योंकि हम सिमरन का अभ्यास कर रहे हैं। SIMRAN ये शब्द है सिमरन। सिमरन अर्थात याद, सिमरन अर्थात रिमेम्बरेंस, सिमरन अर्थात सुमिरन, सिमरन अर्थात बार बार रिमाइंड कराना स्वयं को। सबसे पहले ये जो अभ्यास करना है 6 पॉइंट का अभ्यास है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 शब्द है। सारे दिन भर में अभ्यास करना है। सबसे पहला तुरंत स्वमान में स्वयं को स्थित कराना। कौन सा स्वमान लेंगे? मुरली से एक स्वमान चुनना है। जब सुबह मुरली सुन रहे उसी में से एक स्वमान चुन लिया, जैसे कल सुबह अव्यक्त वाणी चलने वाली है उसमें से एक स्वमान मैं आपको दे रहा हूं, वो है मैं साक्षी दृष्टा हूं। जब साक्षी होंगे तो कोई विघ्न नहीं आएगा, जब साक्षी होगा तो कोई मुश्किलात नहीं होगी, जब साक्षी होंगे तो अचल होंगे। इस ड्रामा के सीन को साक्षी होकर देखना। ये मैंने स्वमान सुबह ले लिया, एक स्वमान पकड़ लिया सुबह की मुरली से, ऐसा साकार मुरली से स्वमान पकड़ लेना। सुबह एक स्वमान लिया, अब दूसरा आय इनर जर्नी, एक अंतर यात्रा। सारे दिन भर में 1 घंटा हम सेवा कर रहे हैं, उसमें 5 मिनट में तुरंत स्वमान में स्थित हुए और उस स्वमान को लेके अब अंतर यात्रा की। ये शब्दों को लाना है SIMRAN। एस स्वमान, मैं साक्षी दृष्टा हूं, अंतर यात्रा इनर जर्नी की, एकदम अंदर गए, मिलन, तुरंत बाबा के पास पहुंचे और बाबा से मिलन मनाया सूक्ष्म वतन में। सब कुछ 1-1 घंटे में करना है, सेकंड में 1 घंटे में एक बार ऊपर गए, मिलन मनाया, ऑल रिलेशनशिप्स, सर्व संबंधों का तुरंत अनुभव करना ऊपर जाके, अनंत शक्तियां बाबा से, अनंत शक्तियां ले लेना, सर्व संबंधों का अनुभव करना, शक्तियां ले लेना और नशा, उस नशे में स्थित हो जाना और फिर नीचे आ जाना। ये काम 6 स्टेप्स का ये काम है जो कि हरेक को करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्वमान उठाएंगे, दूसरा अंतर यात्रा, तुरंत अंदर यात्रा की, बाबा के पास पहुंचे, बाबा से मिलन मनाया, सर्व संबंधों का अनुभव किया, सर्व शक्तियां धारण कर ली, किस लिए, उस स्वमान में स्थित होने के लिए या उसका स्वरूप बनने के लिए, और फिर उस नशे में स्थित होकर वापस आ जाएंगे और फिर कार्य चालू। ये काम हम अमृत वेला नहीं कह रहे, नुमाशाम का योग में नहीं, दिनचर्या में, दिनचर्या में ये काम करना है सिमरन। तो पहला सिमरन है मुख का, दूसरा सिमरन है मन का ये वाला, और तीसरा एक सिमरन है वो अपने आप आएगा। वो जो तीसरा सिमरन है वो ऑटोमेटिक है,
इतना स्वयं को अंदर से भर दो भर दो भर दो, इतना भर दो इतना भर दो कि रात को नींद भी खुले तो वही जो हमने दिन भर में स्वमान का अभ्यास किया या ज्ञान की कोई पॉइंट अपने आप याद आ जाए। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, रात को यदि नींद खुल जाए तो क्या करो, नहीं सकाश दो। रात को अचानक नींद खुल जाए क्या करो, सकाश दे दो और फिर सो जाओ। बाबा ने कहा है तीन बार सिमरन है, अर्थात और एक बात यहां पर, अमृत वेला याद, शक्तिशाली अमृत वेला, शक्तिशाली अमृत वेला, साधारण अमृत वेला नहीं, ऐसा अमृत वेला कि जिसमें आत्मा इतनी पावर से भर जाए कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार नहीं कीजिए, सारे दिन भर किसी की भी मदद हमको लेने की जरूरत न पड़े, सारे दिन भर किसी को फोन कर पूछना कि अब मैं क्या करूं, मेरी ऐसी स्थिति है, घबराहट हो रही है, लास्ट संडे की मुरली, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, स्पिरिचुअल डिप्लोपिया, दो दो दिखाई देते हैं, ये मार्ग वो मार्ग, ये मत है या वो मत है, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, स्पिरिचुअल एनीमिया, खून की कमी, और फिर वो उसके भी पहले मुरली थी, ये अब भी जो रिसेंट ये संडे वाली मुरली थी उसमें ये सारी चीजें थी, एक मार्ग की जगह अनेक मार्ग दिखाई देने लगते हैं, ये अवस्था आती क्योंकि क्विक सीट से नीचे उतरते हो। तो अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना, एक सिमरन वो एक है श्याम, नुमा श्याम का योग, चाहे कुछ भी हो जाए नुमा श्याम का योग बहुत महत्वपूर्ण है, दो चीजों से के लिए, क्यों, दो बार बाबा को चाट देना है, एक चाट है रात को सोते समय पर एक चाट शाम को देना होता है, वो शाम का जो चाट है वो दिनचर्या का चाट दो बाबा को, आज सुबह अमृत वेला इतने बजे उठा, फिर नाश्ता किया, फिर मुरली सुनी, फिर ये किया, फिर इनसे मिले, ये हुआ, कोई लड़ाई तो नहीं हुई, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी से अनबन तो नहीं हुई, किसी से टक्कर तो नहीं हुई, किसी से टकराव संस्कारों में कुछ, क्योंकि ऐसा अगर कुछ हुआ तो शाम का योग और दूसरे दिन के योग पर असर पड़ेगा, इसके लिए एक अमृत वेला शक्तिशाली और नुमा श्याम का योग में बैठने से पहले 10 मिनट, बैठ गए और बैठते ही सबसे पहले समाचार, बाबा कहते हैं मुझे समाचार दो, बाबा को समाचार देंगे कि दिनचर्या का समाचार, सुबह से लेकर अब तक क्या क्या किया, अमृत वेला कितने बजे उठते हैं, पहले प्रश्न ये है, 3:30 तो बहुत लेट है, तपस्या रात के अंधेरे में की जाती है, जब संसार सोया पड़ा है, जब ब्राह्मण भी सोए पड़े हैं, जब ब्राह्मणों की भी नींद नहीं खुली है, वो समय है तपस्या का, तप का, तपाने का, बैठना, उस देह से अलग हो जाना, उसके पीछे जाना पड़ेगा, 15 मिनट पीछे जाओ, और जो 15 मिनट पीछे है वो और 15 मिनट पीछे जाए, दिनचर्या में दिन भर जो याद है वो अमृत वेले जैसी नहीं हो सकती, वो जो बीज रूप स्थिति है वो सारे दिन भर नहीं हो सकती है, हाँ किसी किसी की होती होगी तो बहुत अच्छा, परंतु अमृत वेले का जो समय है उसको सफल करना, अर्थात टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा, वो 4 बजे उठ के बैठ गए और थोड़ा बहुत कर लिया, उससे कहाँ कोई अनुभव होगा, 15 मिनट तो आत्मिक स्थिति में स्थित होने को लगते हैं, विश्व को सकाश देनी है, बाबा से अनुभव करने है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करने है, कितने बड़ी लिस्ट है काम करने की, वो 4:15 बजे उठ के हो जाएगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, दिनचर्या को सेट करना पड़ेगा, रात को थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा, रात को मोबाइल, इंटरनेट, सर्फिंग, व्हाट्सएप, मैसेजेस, इससे बात, उससे बात, इस सेंटर में क्या हो रहा है, उस सेंटर में क्या हो रहा है, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है, तुम अपने काम से काम रखो, किस डिपार्टमेंट में किसका क्या हो रहा है इससे क्या लेना देना है, सिमर सिमर सुख पाओ। पहला सिमरन अमृत वेला, दूसरा सिमरन नुमा श्याम का योग,
तीसरा सिमरन रात को सोने से पहले। अगर बाबा के कमरे में दूर वहां नहीं जा सकते तो वहीं पर बैठकर अपने ही खटिया में या वहां पर ही बैठकर कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट देह से डिटैच 3 बार सिमर सुमर सुख पाओ कला कलेश तन माही मिटाओ। कला और कलेश सिमरन से क्या होगा? कला और कलेश, कला अर्थात झगड़ा और क्लेश अर्थात क्लेश अर्थात पंच क्लेश का गायन है। 5 प्रकार के क्लेश है। कौन कौन से? पंच क्लेश है। कह रहे हैं सुखमणि, इसको सुखमणि कहा है, जिसके सिमरन से सुख मिले। सारे विश्व भर के जो भी सिख है उसका सिमरन करते हैं, शांति मिलती है मन को। पर केवल सुनने से शांति नहीं मिलेगी, स्वरूप बनना पड़ेगा। क्लेश 5 प्रकार के क्लेश। पहला क्लेश है अज्ञान। ये भ्रम में नहीं रहना कि हमने जान लिया है, कुछ भी नहीं जाना। अगर जाना होता तो भगवान बार बार क्यों कहता समझा समझा समझा? शायद नहीं जाना। पहले इसको समझ लेना। आज सुबह साकार मुरली में दुर्गति हो गई है, पहले ये जानो फिर सदगति होगी। अज्ञान सबसे बड़ा क्लेश है। सूचनाएं प्राप्त है हमारे पास, शिव बाबा ज्योति बिंदु है, आत्मा ज्योति बिंदु है, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, आत्मा नीचे आई है, बाप आए हैं, पतित से पावन बनना है, अब वापस घर जाना है, सूचनाएं हैं सारी। क्या इसको ज्ञान कहेंगे? खाली ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो गहरी चीज है। तो दूसरी बात, पहला अज्ञान, ये समझना कि नहीं जानना है, अब जानना है, अब जानना है। एक एक शब्द को जानना है, एक एक वाक्य को जानना है, उसने उच्चारण की हुई वाणी को समझना है। तो पहला अज्ञान एक क्लेश है। दूसरा क्लेश है अस्मिता। अस्मिता अर्थात अहंकार। मैंने किया, मैं कर रहा हूं, अंदर ही अंदर सूक्ष्म मैं बैठा रहता है। और ब्राह्मण आत्मा अपनी यात्रा जब चालू करती है वो मैं भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। पहले मैं था अज्ञान के लिए, अभी मैं है ज्ञान के लिए। पहले मैं किसी और चीज के लिए था, अब मैं है विशेषताओं के लिए, सेवाओं के लिए। ये भी सूक्ष्म मैं है। इस मैं को मिटाना कैसे मिटेगा? सिमरन से। सिमर सिमर सुख पाओ। सुख मिलेगा, कलह मिटेगा। कलह कौन सा? अंतर कलह। अंतर द्वंद में है व्यक्ति, ये या वो। मधुबन में रहना है या घर जाना है? इस डिपार्टमेंट में रहना है या उस डिपार्टमेंट में जाना है? इस भाई के साथ रहना है या उस भाई के साथ रहना है? ये कमरा बदलना है या वो कमरे में जाना है? कहीं ना कहीं अंतर कलह है, सूक्ष्म अंतर कलह है। इस कलह से यदि मुक्ति चाहिए तो वो किताबें पढ़ने से नहीं होगा, मुरली खाली पढ़ने से नहीं होगा। सिमरन अर्थात याद अर्थात योग अर्थात तपस्या अर्थात शरीर से अलग होना। उस अवस्था में ही हमें अपने जीवन की समस्याओं के उत्तर मिलते हैं। कितना भी बैठ के सोचो नहीं मिलेंगे, अचानक मिलेंगे अशरीरी अवस्था में। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यास एक ही है, देह से अलग करने का। दूसरा अस्मिता। तीसरा है राग। राग चीजों में राग, वस्तुओं में राग, छोटी छोटी बातों में राग, पास्ट में राग, इमोशंस में राग। एक है राग, एक है विराग। विषय विराग ईश्वरे अनुराग कहा जाता है। सारे संसार से राग को हटाकर ईश्वर में अनुराग करना, ये योगी का जीवन है।
राग क्लेश है, चौथा द्वेष, एक दूसरे से नफरत है, घृणा है, अच्छा नहीं लगता है, वो अगर आके बैठ गया उसका चेहरा देखते ही कुछ कुछ होने लगता है। एक माताजी ओपीडी में आई थी हमारे पास, उसने कहा यहां दर्द होता है छाती में, ईसीजी कराया, सब किया, सब नॉर्मल। कब दर्द होता है कोई टाइम? हाँ, एक आत्मा है, जैसे ही सामने आती है तभी यहां यहां ऐसे हाथ करके बता रही थी, यहां दर्द होता है, बाकी समय चढ़ान, अरे मैं तो भाग भी सकती हूं, दौड़ भी सकती हूं, सारे रिपोर्ट नॉर्मल। पर दर्द कब होता है? जब वो आत्मा आंखों के सामने आ जाती है तो यहां पर दर्द चालू होता है। क्या होता होगा, क्यों होता होगा? शायद उस आत्मा के प्रति गहरी घृणा बैठी है, माफ नहीं किया है, उसने जो बोला था, उसके जो कटाक्ष थे, उसके जो कटु वचन थे, उसको संजो के अंदर समा के रखा है, इतना उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है कि वहां तक कोई भी शुभ भावना की किरण नहीं पहुंच सकती, एकदम दिल की गहराई में उसे रखा है। और उस आत्मा को हम कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उसने मुझसे ऐसा ऐसा कहा था। इतने समय से हम सेवा कर रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं सेवा करने के लिए, और एक दिन उसने कह दिया अगर नहीं करनी है तो जाओ घर, हर्ट हो गया, लग गया, चुभ गया, और वो जो तीर है गड़ा हुआ है, इसके लिए उस आत्मा को हमने माफ नहीं किया है। और जब तक नहीं किया वो सामने आती बेचैनी, कुछ कुछ होता है, क्या होता है पता नहीं चलता, निकल जाती है तो ठीक लगता है। अवचेतन मन में घृणा है, द्वेष, और अंतिम है अभिनिवेश। अभिनिवेश पंच क्लेश में पांचवा क्लेश जो है, योगी का जीवन का लक्ष्य होता है इन क्लेशों से मुक्त होना। अभिनिवेश अर्थात जीवन के प्रति मोह, महामोह जिसको कहते हैं, जीवेशना जिसको कहते हैं, मृत्यु भय जिसको कहते हैं। सारी दुनिया को आत्मा का अमरता का पाठ पढ़ाने वाले हमको अगर कुछ थोड़ा भी हो जाता है तो एकदम से डर घेर लेता है, पकड़ लेता है एकदम, कुछ हो ना जाए मुझे। और हम सुबह से लेकर शाम तक लोगों को समझाते आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सुई चुभ गई तो सहन नहीं होता है। फिर से अर्जुन देव के पास आते हैं, ये जो जिसने ये लिखा सुखमणि, उसको तपते हुए तवे पर रखा गया था, उसको तपती हुई रेत पर रखा गया था, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, शांत बैठा हुआ था, कहता था बस उसकी जो इच्छा मीठी लागे, उसके उसकी जो इच्छा उसमें मेरी रजा है। उसको वो बॉयलर में, उबलते हुए बॉयलर में डुबो दिया था। ऐसी यातनाओं के समय में भी अचल अडोल स्थिति, देह से कितना न्यारा होगा ये व्यक्ति, और क्यों उसने जो लिख दिया अब तक चल रहा है, जरूर महान कार्य किया होगा। आज सुबह की साकार मुरली शंकराचार्य को याद किया, उसने धर्म स्थापन किया, महान कार्य किया, अब तो इसलिए तो जाने के बाद भी महिमा है, संसार में महान आत्माएं हुई है, सबने सहन किया है, शक्तिशाली बने हैं। आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं था उसके बाद भी ये लिखा, इसके लिए वाणी अभी तक चल रही है। पंच क्लेश सिमरहु सिमर सिमर सुख पाओ, क्ले क्लेश तन माही मिटाओ। इस तन में जैसे ये क्लेश भरे पड़े हैं, नामु जपत अगनत अनेके, वो कह रहा है कि तुम्हारा जो नाम है असंख्य लोग जप रहे, अगनत अनेक लोग जप रहे, अलग अलग रीतियों से जप रहे। यहां एक चीज सीखने की है कि
जिस ढंग से हम भगवान को याद करते बाबा को, जरूरी नहीं है कि बाजू वाला भी उसी ढंग से याद करेगा। हर एक की का ढंग अलग अलग है। इसके लिए हमारा सूक्ष्म विरोध भी नहीं होना चाहिए किसी से कि इसकी याद की विधि गलत है। किसी किसी का चलते चलते ही हो रहा है, हम बैठ के कर रहे हैं, पर हो सकता है वो हमसे याद में आ गए हैं। याद की जिस जिस विधि को जिस जिस आत्मा ने अपनाया है अपनी अपनी बुद्धि और समझ के आधार से, हम ये नहीं कह सकते कि मैं जिस तरह बाबा को याद करता हूं यही परफेक्ट है। अगणित अनेक, हर एक ने अलग अलग रीति से याद करता है। इसके लिए करने दो और राधर हम उनसे सीख ले कि ऐसा याद किया जा सकता है। ये विधि से तो हमने कभी किया ही नहीं, ये भी विधि हो सकती है उसको याद करने की। क्या एक ही तरह याद थोड़ी ना करना है? इसमें एक पॉइंट बताया, रिलेशनशिप, नए नए रिलेशनशिप्स बनाओ उसके साथ, एकदम नए जो कभी सोचा नहीं था। ऐसा एक रिलेशनशिप जैसे कि वो कोच है, इंस्ट्रक्टर है, मेरा गाइड है। 10 लोगों से गाइडेंस ली, किसी से संतुष्टता नहीं हो रही है। अब बाबा तुम गाइड बन के बताओ मैं क्या करूं। 10 लोगों से इंस्ट्रक्शंस ली, अब तुम फाइनल इंस्ट्रक्शन बताओ क्या करूं। इंस्ट्रक्टर, तुम कोच हो, तुम ट्यूटर हो, तुम टीचर हो। एक नया अभिनव संबंध जोड़ो उसके साथ जो आज तक नहीं जोड़ा था, एकदम नवीनतम संबंध, और देखो क्या होता है। उस संबंध में स्थित होकर पूछो उससे। अभी अभी हम एक जगह गए थे तो वो एक माता, बूढ़ी माता थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, अंगूठा छाप, वो कितनी अच्छी बात उसने बनाई। हमने कहा आप बाबा को किस संबंध से याद करते हो? तो वो कहती है मैं तो जब से ज्ञान में आई मेरा एक ही संबंध है, भैया। क्योंकि जब ज्ञान में आई थी तो पति जो था बहुत सताता था, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, पवित्रता की लाज तुमको रखनी पड़ेगी। हमने कहा देखो हम तो बाबा को भैया वाले संबंध से बहुत ही कम याद करते, भाई के संबंध से। हर आत्मा अलग अलग रीति से याद करती है। इसके लिए अगर कोई बताना चाहे तो, अगर वो उसकी इच्छा हो तो हम पूछे कि तुम कैसे याद करते हो, हमको भी बताओ। वेद पुराण स्मृति सुधाकर कीने राम नाम इक अख्यार। वेद पुराण और स्मृतियां भारत में शास्त्र दो विभागों में विभाजित है, एक है श्रुति एक है स्मृति। श्रुति अर्थात चार वेद, स्मृति अर्थात सारे पुराण, रामायण महाभारत। पुराण 18 पुराण और ये बहुत सारे चीजें, मुख्य चार है वेद। यहां कहा जा रहा है इन सब का सार जो है वो सिमरन है, सारी मुरली का जो सार है वो है सिमरन। मुरली कितनी भी याद रख लो परंतु याद नहीं कर रहे तो विकर्म दग्ध नहीं होंगे खाली मुरली पढ़ने से। सबका सार सुधाकर इसेंस जो है वो है सिमरन। किनका एक जिसु जीव बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। जो एक सेकेंड के लिए भी इसको याद करता हो उसकी महिमा अगणित है, गनी ना आवे। कांखी एके दरस तुहारो नानक उन संग माही मोही उदारो। ऐसी आत्मा जिसके दिल में उस परमात्मा के सिवा कोई भी नहीं बसा हो, उस परमात्मा को देखने के अतिरिक्त तो और कोई इच्छा रही नहीं हो, नानक कह रहा है उन संग तुम मोही उदारो, उन ऐसी आत्माओं के साथ साथ तुम मेरा उद्धार करो। ऐसी आत्मा भी मुझे मिल जाए कि जिनके हृदय में एक के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं। इतना अच्छा संकल्प है। तो आप सबसे प्रश्न है कि वो आत्मा जिसने अपने हृदय में केवल और एक बाबा को बिठा के रखा है उसकी निशानियां क्या होगी? वो आत्मा जिसकी बुद्धि और किसी भी देहधारी में नहीं जाती है, किसी भी देह उसको आकर्षित नहीं करता, ऐसी आत्मा की सूक्ष्म निशानियां क्या होगी? बोलते जाओ।
ताकि थोड़ा डिस्कशन वैभव इस पॉइंट से रिलेटेड, योगी की निशानियां नहीं पूछ रहे, इस पॉइंट से रिलेटेड कि जिसने अपने जीव में एक के अतिरिक्त और किसी को नहीं बिठाया है, ऐसे व्यक्ति की क्या निशानियां होगी? वो सबको सुख देगा। और थोड़ा नजदीक इस पॉइंट से संबंधित, उसकी बुद्धि केवल एक ही तरफ जा रही है, किसी से प्रभावित नहीं होगा, किसी से भी प्रभावित नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी अच्छा भाषण देने वाला हो, क्लास कराने वाले हो, कुछ भी हो, सीख सबसे लेगा पर प्रभावित नहीं होगा। प्रभावित हो जाना मतलब प्रभाव में आ जाना, प्रभाव में नहीं आना है। सीख लेना सबसे, इससे भी सीख लेना, उससे भी सीख लेना, सब अच्छे है, परंतु यही एक अच्छा है ये माया है, इसी का ही अच्छा है ये माया है। स्वयं को स्वतंत्र रखना, संपूर्ण स्वतंत्र। कल संडे की अव्यक्त वाणी, तुम्हारे जो पंख है ना वो चिपके हुए नहीं चाहिए कहीं पर, लगाव रस्सी है। लगाव की उपमा दो चीजों से की बाबा ने, लगाव रस्सी है और लगाव के पंख, संपूर्ण स्वतंत्र। इसकी रफ्तार तेज करो तो सबसे पहला प्रभावित नहीं होगा, दूसरा ये आत्मा किसी पर भी अवलंबित नहीं होगी, निर्भर नहीं होगी, डिपेंडेंसी नहीं होगी किसी पर भी, कि वो योग में चले तो मैं योग में चलू, वो ये करे तो मैं योग करूं, वो सुबह अमृत वेला मुझे उठाए तो मैं उठ जाऊं, थोड़ा जल्दी रूटीन टाइम पर नहीं, उससे पहले 3:30 से पहले, वो ऐसा करे तो मैं करूं, वो मुरली का चिंतन करेगा तो मैं मुरली का चिंतन करूंगा, ये नहीं। कल की मुरली में कहा है मनन, जैसे भोजन होता है ना, भोजन अलग मैं अलग, भोजन करने के बाद दोनों एक हो जाता है, उसी तरह ज्ञान अलग मैं अलग, ज्ञान ऐसा संभालो कि वो भोजन बन जाए, जैसे रक्त की धमनियों में रक्त की तरह, धमनियों में रक्त की तरह बहने लगे, ये ऐसा मनन करो, ज्ञान अपना बन जाए, ये पॉइंट मेरी बन जाए, जैसे अभी आप ये क्लास सुन रहे हो, ये क्लास किसी और का है, कोई 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 दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, मैं यहां हूं, हमारे बीच में बहुत अंतर है, स्थान का भी, स्थिति का भी, बहुत सारी चीजों का, मेरी अपनी दुनिया है, इसकी अपनी दुनिया है, पर 2-3 बातें मैंने यहां से ले ली, ये भूल जाओ, अब ये जो 2-3 बातें ली, इसका सिमरन, इसका चिंतन और इसका और विस्तार, इस पर ही रुक नहीं जाना है, ये फाइनल नहीं है, जो यहां सुनाए रहे या कहीं से भी जो ज्ञान सुनते वो फाइनल नहीं है, फाइनल हमको उसको उसके अंदर जाकर उसका विस्तार कर करना है। तो दूसरा पॉइंट है, ऐसी आत्मा जिसका एक के अतिरिक्त कोई नहीं है, वो किसी से पहला प्रभावित नहीं होगा, दूसरे किसी पर भी निर्भर नहीं होगा, तीसरा किसी का दास नहीं होगा, स्लेवरी नहीं होगी, इमोशनल स्लेवरी, ये सबसे खतरनाक स्लेवरी है, भावनात्मक दासता, भावनाओं से किसी के दास बन गए, कट कर देना ये सारे, ये रस्सियां तोड़ सकेंगे नहीं, तोड़ नहीं सकेंगे, अंतिम समय कुछ ना कुछ खींच लेगा नीचे, याद आ जाएगी किसी की, बेटे की याद आ जाएगी, बहू की याद आ जाएगी, ये भी बोला है कल की मुरली में, बहू और सास, आत्मिक दृष्टि देखो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। चौथा, एक ही बल और एक ही भरोसा, भरोसा अर्थात किसी भी देहधारी पर भरोसा नहीं, सब अच्छे हैं परंतु ये भी ध्यान रखो कि सब धोखा दे सकते हैं, सब धोखेबाज है, किसी पर भरोसा मत करना। जैसे एक कहानी है, एक व्यक्ति का बेटा होता है एक राजनेता का, वो कहता है अपने पिता से, पापा पापा मुझे भी आप जैसा नेता बनना है, जवान हो जाता है, वो कहता है मैं भी नेतागिरी करूंगा, वो कहता है मुझे कुछ शिक्षा दो, वो कहता है चलो देता हूं, वो एक सीढ़ी लगाते हैं और कहता है चढ़ इसके ऊपर ऊपर, तो बेटा चढ़ता है, वो कहता है ध्यान से चढ़ना मैं हूं, पिताजी कहते पकड़ के रखते चढ़ो चढ़ो चढ़ो, वो चढ़ते जाता है चढ़ते जाता है, जब बीच में पहुंचता है तो पिताजी धड़ाम से सीढ़ी फेंक देते, नीचे गिरता है, वो हड्डी विड्डी टूट जाती है, वो कहता है पिताजी, वो कहता है अपने बाप पर भी भरोसा मत करना, यही राजनीति का पहला पाठ है।
राजनीति का पहला पार्ट क्या है, बाप पर भी भरोसा मत करना, एक ही बल और एक ही भरोसा, किसी की बुद्धि कब पलट जाएगी बता नहीं सकते, सारे सीक्रेट सबको बता दो और फिर ब्लैकमेलिंग। और अपने राज अपने पास ही रखना, बहुत सारे चाणक्य ने कहा है कूटनीति है ये, सारे राज सबको नहीं बता देना, कुछ राज को राजी रहने दो, इसी में राज की शोभा है। बाबा भी कुछ सारे राज थोड़ी बताता है, इस ड्रामा के एक बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त तो महावाक्य नहीं है परंतु लिख के रखो डायरी में काम आएगा, इस ड्रामा में कुछ राज राज ही रहेंगे, यही ड्रामा की शोभा है। लास्ट तक नहीं पता चलेंगे, कुछ रहस्य रहस्य ही रह जाएंगे, मिस्ट्री, तो किसी पर भरोसा नहीं। हाँ, सबसे प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं, सबसे अच्छा है, आज कहा है ना मिजाज तुम्हारा मीठा हो, वो सब ठीक है, टेम्पर वगैरह ठीक रखा है, पर विश्वास वो जो है भरोसा वाला, वो आए तो ठीक ना आए तो भी ठीक, उसके भरोसे नहीं बैठ जाओ, धोखा मिलेगा फिर। बल एक, कोई व्यक्ति हमें बल नहीं दे सकता, एडवाइस दे सकता है, बलवान बना सकता है क्या, हमें खुद बनना पड़ेगा। विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, कहा है अपने एक भाषण में, इफ यू बिलीव इन 33 मिलियंस ऑफ गॉड्स एंड इफ यू हैव नो फेथ इन यूर सेल्फ यू विल नॉट अटेन सक्सेस। 33 कोटि देवी देवताओं में विश्वास है पर खुद में विश्वास नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी। 33 कोटि देवी देवताओं रहम कर दे तुम पर खुद तुम स्वयं पर रहम नहीं करो, सफलता नहीं मिलेगी। स्वयं स्वयं को उठाना है, स्वयं स्वयं को जगाना है। उत्थिष्ट जागृत प्राप्य वरण निबोधतः, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचते रुकना ही नहीं है इसमें, लक्ष्य बहुत ऊंचा है और हम कहां यहां सोए पड़े, ना तो अमृत वेला डंका हो रहा है, ना तो मुरली का चिंतन हो रहा है, ना तो सारी दिनचर्या में वो कशिश वाली याद है, ना नुमा शाम का योग हो रहा है, फिर कैसे होगा। हो रहा है परंतु ये समझना और करना है, अपने पुरुषार्थ के प्रति डिवाइन डिस्कंटेंट, दैवी असंतोष चाहिए। वैसे संतुष्टता रहना चाहिए, सब चीजें से संतुष्ट रहो, परंतु पुरुषार्थ के प्रति डिवाइन डिससेटिस्फेक्शन, दैवी असंतोष। तो ये एक और कोई पॉइंट, सदा हर्षित रहेगा और नहीं, ये पॉइंट से बताओ, ये पॉइंट से रिलेटेड जो दूसरों से संबंधित है, कि जिसकी बुद्धि में एक वही है और कोई दूसरा नहीं है, अचल अडोल रहेंगे और श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करेंगे और सारा विश्व अपना लगेगा और न्यारापन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कल की मुरलियों में पार्टियों से मुलाकात में भी बाबा ने कहा है, न्यारापन, तुम अलौकिक हो, तुम अलग हो, वो जो करते हैं वो तुम नहीं कर सकते, संसार के लोग जो जैसा सोचते हो तुम नहीं सोच सकते, तुम्हारा सब कुछ अलग हो, तुम अलौकिक हो, तुम्हारे अंदर न्यारापन हो, न्यारापन अर्थात डिटैचमेंट। अभी अभी चार लोगों के साथ काम किया, सेवा हुई, डिटैच, अब कोई किसी से लेना देना नहीं है, टाटा बाय बाय, कहीं गए सेवा करके आए आ गए, कैसे हो क्या करना है। मधुबन में हमेशा ये उदाहरण देते हैं, हम एक बहुत पुराने भाई अभी भी है, सब लोग जानते होंगे, नाम नहीं बताएंगे, वो अपना अनुभव सुनाते जा रहे थे, एक बार 70s की बात है, तो एक नई बहन थी वहां पर, तो वो बहन से उनको लगा पूछे कुछ, तो पूछा आप कहां से हो, बहन से पूछा, सेंटर से आई होगी, पीछे दीदी थी, दीदी ने कहा शादी करनी है क्या, तुमको करना क्या है, वो कहां से है, फिर कब जाएगी, फिर कितना दिन रहेगी, तुमको करना क्या है, वो अपने काम से काम रखो, नोक झोक इधर क्या है, ताक झाक इधर क्या चल रहा है, उधर ये भाई इधर था, ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट में क्यों गया, जरूर कुछ तो हुआ होगा, मनन चिंतन, मन इस पर मनन चालू है।
और एक लास्ट निशानी बता दो, फिर आप सबको एक काम देंगे एक हफ्ते के लिए। एक निशान, हाँ वही जिन्होंने दिल में एक राम को बसा के रखा है उनकी निशानी। और दूसरों से संबंधित, कांखी एक दरस तुहारो, नानक उन संग मोही उधारो। उन आत्माओं के साथ मेरा भी उद्धार करो। कैसी आत्माओं के साथ? जिनका केवल एक का ही दरस की आशा है, एक का ही दर्शन करना चाहते हैं और कोई उसको अच्छा नहीं लगता। भोजन भवन भलो नहीं लागे, मीरा कहती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है यहाँ का भोजन या भवन, एक से प्रीत लगी है। मानिक मोती सब हम त्यागो, गले में पहली सेली, गले में ये माला पहन रखी है, ये श्वेत वस्त्र कफन की निशानी है, इसको भूलना नहीं है। मर गए संसार के आकर्षण से कोई लेना देना नहीं। तो सिमर 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 सुख पाओ, कली क्लेश मन माही मिटाओ, सिमर जासु विश्वंभर एके। विश्वंभर जिसने सारे जगत को व्याप रखा है, ये बात यहां लिखी गई है। परंतु इसका दूसरा एक अर्थ ये भी योगी लोग लगाते हैं, जिसकी शक्ति से सारा विश्व चल रहा है, सस्टेनर जो पालक है जगत का, वो विश्वंभर। नामु जमत जपत अगणत अनेके, वेद पुराण स्मृति सुधाकर, कीने राम नाम इखियाकर, किनका एक जिसु जीव बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे, काकी एक दरस द्वारो, नानक उन संग मोहि उधारो। तो अभी ये हो गया पहला, आप सबको एक काम दे रहे हैं, अभी कल की अव्यक्त वाणी पर सबको काम करना है, ठीक है। पहले चार लोग आपको कल की मुरली से कॉन्ट्रास्ट मेथड करना है, ये अपने अपना काम है। एक दो तीन चार हाथ खड़े करो, पहले चार लोग इस मुरली से आपको बाबा ने क्या क्या कॉन्ट्रास्ट बताए हैं। जैसे कि एक उदाहरण आपको दे देते हैं, उसमें से मुरली और संसार, इसमें कॉन्ट्रास्ट क्या है। जैसे आज भी बोला है, आज की सुबह की मुरली में कॉन्ट्रास्ट करो, समझाओ चित्रों पर। तो एक कॉन्ट्रास्ट आपको बता रहे कि पंछी, उड़ता पंछी और कैद में जो पंछी है, इनमें क्या अंतर है, इसके ऊपर चिंतन करना है। ये चार, नेक्स्ट चार, यहां पर चार चार आपको मुरली से सेल्फ चेकिंग पॉइंट्स क्या क्या है वो निकालना है। कल की जो अव्यक्त वाणी चलेगी उसमें से बाबा ने सेल्फ चेकिंग के लिए 12 पॉइंट्स कौन कौन से दिए, वो मुरली सुनते सुनते लिखते जाओ या मुरली हो जाने के बाद लिखो, और सारे दिन भर वो पॉइंट्स अलग से 12 रखेंगे और फिर उसके ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट चार, एक दो तीन और वो चार आपको कल की मुरली से, हाँ क्वेश्चन मेथड, कल की मुरली से 12 प्रश्न निकालने और उसके उत्तर खुद ही दिन भर देते रहना। मुरली सुनते सुनते प्रश्न लिख लो, जैसे मुरली में आया है बाप का साथ हो तो क्या क्या होगा। एक पूरी पार्टी, पांच पार्टियों से मुलाकात है, एक मुरली है, एक पार्टी से मुलाकात है साथ हो तो क्या क्या फायदा होगा, दूसरी पार्टी से मुलाकात है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हो ये स्मृति रही तो क्या क्या फायदे होंगे। तो ऐसे 12 प्रश्न निकालने हैं और उसके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट चार, एक दो इधर दो और वो पीछे दो आपको इस मुरली को इस मुरली से ड्रिल बनानी है, एक जो ड्रिल शाम को योग में करनी है। कैसे बनेगी ड्रिल? जैसे कि एक उसमें से उठाया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसी मास्टर सर्वशक्तिवान का सम्मान लेके उस पैराग्राफ में जो जो चीजें हैं वो उसमें इंक्लूड करना और शाम को वो ड्रिल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी बहनों की तरफ से एक 10 बहनें हाथ खड़ा कर लो, पहली दो तीन लाइन, दो लाइन आपको मुरली से 10 टॉपिक्स निकालने हैं। क्या करने हैं? मुरली से टॉपिक्स। कैसे टॉपिक निकालेंगे? जैसे कि एक टॉपिक आपको बता रहे हैं लगाव के पंख को चिपकाने वाला गम, ग्लू। गम होता है, क्या कहते हैं उसको, ग्लू, गम, गोंद। 10 प्रकार के गोंद निकालने हैं। कौन से वो गोंद है जो पंख को उड़ने नहीं देते, चिपका देते हैं। जैसे ये एक टॉपिक दिया आपको, ऐसे 12 टॉपिक्स निकालने हैं मुरली से। पीछे के सारी जितनी माता है, दो रोज या तीन रोज आपको
पूरा ही तीन रोज मुरली में बाबा ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं, केवल वो उदाहरण निकालने। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है भोजन का, जैसे भोजन अलग आत्मा शरीर अलग, पच जाने के बाद दोनों एक हो जाता है। दूसरा उदाहरण दिया है विष्णु का, जैसे वो विष्णु शेष शैया पर लेटा हुआ है और मनन कर रहा है, वैसे तुम भी मनन करो। ये उदाहरण है मुरली से दिए हुए उदाहरण, ये उदाहरण जैसे जैसे आ गया मुरली में, मतलब वो उदाहरण है। तो उदाहरणों की लिस्ट निकालनी है, पीछे की सारी माता है, ठीक है, समझ में आया। उदाहरण जैसे विष्णु, जैसे गाय, जैसे पर्वत, जैसे पहाड़, जैसे कोई पंछी, जैसे प्लेन। बाबा बहुत सारे उदाहरणों से अपनी मुरली जो होती है ना, उसमें कम से कम एक मुरली में 10-15 उदाहरण होते हैं। ये बीच का सारा ग्रुप आपको मुरली से ज्ञान योग धारणा सेवा चार टॉपिक्स है, इसमें से मुरली को डिवाइड कर देना है। ज्ञान योग धारणा, ये पॉइंट योग का, ये पॉइंट ज्ञान का, ये पॉइंट धारणा का और ये पॉइंट सेवा का। इस पर काम करना है सारे दिन भर, क्योंकि अव्यक्तवाणी एक दिन चलती है हफ्ते में, और वो अव्यक्तवाणी मिस नहीं होनी चाहिए। उस पर गहराई से चिंतन करना है। सुबह एक बार हो सके तो सुबह भी पढ़ लो, मोबाइल में सबके पास आ जाती है, फिर मुरली सुनो, फिर सुनते ही तुरंत बाद उसको याद करने का कोशिश करो, क्या क्या था, क्या क्या था, क्या क्या पॉइंट थी। वो बुद्धि में पॉइंट्स घूमती रहे, ठीक है। लास्ट जो पूरा ग्रुप है उनके लिए काम, प्लानिंग मेथड, मुरली से एक हफ्ते का पुरुषार्थ का प्लानिंग बनाना है, ठीक है। मुरली से उसमें कम से कम 7 पॉइंट होनी चाहिए, प्लानिंग की क्या प्लान बनाए। कल की अव्यक्तवाणी पढ़ी, उसमें से मेन प्लानिंग वाली कौन सी पॉइंट है जो कि मुझे करनी है, दूसरों को नहीं, दूसरों को बताना भी नहीं है, करना है बस मुझे अकेले को। ये मेरी प्लानिंग है कि ये मैं करूंगा। जैसे साक्षी स्थिति है, साक्षी स्थिति का अभ्यास कम है, क्या करूं। न्यारापन का अभ्यास कम है, क्या करूं। व्हाट आर द वेज टू डिटैच। कोई व्यक्ति से अटैचमेंट हो गया है, मोबाइल से अटैचमेंट हो गया है, किसी चीज से अटैचमेंट हो गया है, वैभव से, कमरे से, टॉवेल से, किताब से, कलम से, चादर से, कंघी से, आईने से, कौन सी चीज है जो मुझे अटैच करती है। कोई स्थान तो नहीं है, यहां रहने के बाद थोड़ा देर और रुकने की इच्छा होती है, मतलब अटैचमेंट है वो भी, एक सूक्ष्म अटैचमेंट। तो न्यारापन, इसकी प्लानिंग, साक्षीपन, इसकी प्लानिंग, सर्वशक्तिवान, उसकी प्लानिंग, साथ का अनुभव कम हो रहा है, उसकी प्लानिंग, फिर संतुष्टता की प्लानिंग, कहां क्या कर, क्यों असंतुष्ट थे, आत्मा में असंतुष्टता क्यों है, स्वतंत्रता की प्लानिंग। मुरली पढ़ो और पढ़ते पढ़ते ही प्लानिंग। तो ऐसे ये पीछे का ग्रुप प्लानिंग, बीच वाला ग्रुप 4 सब्जेक्ट, ये वाला ग्रुप उदाहरण कौन सा माताओं को, एग्जाम्पल मेथड, बीच की माता है, ये वाला टॉपिक्स, ये ग्रुप कॉन्ट्रास्ट, ये ग्रुप सेल्फ चेकिंग, ये ग्रुप मुरली से क्वेश्चन निकालना। तो ये सारा मुरली का पूरा दिन भर चिंतन करते रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुरली लेके पढ़ो सेवा छोड़कर, वो नहीं, पढ़ लिया अब उसके ऊपर चिंतन चालू है, ठीक है। तो ये काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो सीरीज है अभी हम इसको चालू करेंगे, तो हम बताते जाएंगे शायद हफ्ते में एक बार या दो बार या ज्यादा भी, उधर का भी देखते हुए, ठीक। तो अभी ये अभ्यास करेंगे, सभी एक मिनट के लिए योग में बैठेंगे। क्या क्या करना है इसमें, सबसे पहला सिमरन, सिमरन अर्थात तुरंत एक सोमान लेना है। सोमान हम दे रहे हैं, मैं देह से न्यारी आत्मा हूं, मैं देह से न्यारी आत्मा हूं, सोमान दिया। आंतरिक जर्नी करनी, तुरंत सूक्ष्मतम में पहुंचना, बाबा से मिलन मनाना, सर्व संबंधों का अनुभव करना, अनंत शक्तियां लेना, और फिर उसी नशे में वापस शरीर में आ जाना। सॉफ्ट म्यूजिक चला देना।